नागपुर रेंज की साइक्लोमा टीम ने एक और बड़ी सफलता अर्जित की है। 2021 में नीट परीक्षा के बड़े घोटाले के तार खोलने में साइक्लोमा टीम को सफलता मिली है। 50,000 की दो इनामी संगीता और भंवरी, इन दोनों को साइक्लोमा टीम ने, भंवरी को पुणे से और सांचौर जोधपुर की सीमा से संगीता को गिरफ्तार करने में साइक्लोमा टीम को सफलता मिली है। कल इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। पुणे में गिरफ्तार करने के बाद भंवरी को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर आ रही है, साइक्लोमा टीम लेकर आ रही है। अभी टीम रास्ते में ही है। एक बहुत बड़ा घोटाला नीट परीक्षा को लेकर 2021 में हुआ था, जिसमें बलोत्रा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, जिसमें करीब 1 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 साल से फरार चल रही थी ये दोनों, जिनको बड़े प्रयासों के बाद साइक्लोमा टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। याद होगा आपको कि करीब 3 महीने पहले सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले को लेकर सम्मी बिश्नोई पकड़ी गई थी और उस सम्मी बिश्नोई के भी तार इस घोटाले से जुड़े थे और उससे हुई गहन पूछताछ के बाद जब काफी सारी जानकारियां मिली कि छुपने के ठिकानों का पता चला, तो 3 महीने के परिश्रम के बाद साइक्लोमा टीम ने इन दोनों को इनके ठिकानों से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक बार फिर हम पूरी राजस्थान पुलिस मिलकर यह दिखाने में कामयाब रहे हैं और यह लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि चाहे अपराधियों के मनोरथ, मनोबल, मनोकामना कुछ भी रहे, कुछ भी घपला करने की हो, पर जो हमारी पुलिस की प्रतिबद्धता है, हमारा प्रयास है, हमारा परिश्रम है और हमारा प्रदर्शन है, तो इस तरह के तत्वों का मनोबल हमेशा नीचा करके रखेंगे हम लोग। इनके मंसूबे कभी, इनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इनको निर्मूल करना, ध्वस्त करना, नेस्तनाबूद करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी चुनौती है और हम सारे जनता को, खास करके युवा वर्ग को यह आश्वस्ति देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का नापाक कदम जो युवा वर्ग का भविष्य अंधकार की तरफ ले जाने का प्रयास करे, उसको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। समाज में व्यवस्था चलती रहेगी, परिश्रम से ही परिणाम पाया जा सकेगा और तरीके से, व्यवस्था के साथ, प्रक्रिया से ही कोई काम हो सकता है। गलत तरीके से गलत अंजाम तक पहुंचने वालों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाना राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी है और हम लोग लगातार इस काम में दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करके इस काम में लगे हैं और लगातार हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं, सफलता आ रही है। युवा वर्ग आश्वस्त रहे, जनता आश्वस्त रहे, वह सुरक्षित है, व्यवस्था सुरक्षित है और हर चीज कानून कायदे के हिसाब से ही होगी। जो इस कानून कायदे को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका गुरूर तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, राजस्थान पुलिस की। धन्यवाद।